दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नॉलेज न्यूज चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में जो कि लॉकडाउन 5 चल रहा है, जिसके चलते जो है सरकार ने आज कुछ बड़े बदलाव और कुछ नए नियम निकाले हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में एक जो है सवाल उठ रहा होगा, क्या लॉकडाउन को जो है 15 जून से कड़ी सख्ती के साथ लगाया जाएगा फिर नहीं, तो क्या क्या खबरें आई हैं, जानकारी हम पूरी आपको दोस्तों इसकी विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो के साथ दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन 5 में जो है सरकार ने लॉकडाउन 1 को अनलॉक भी किया है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ लोगों को बड़ी छूटें भी दी गई थी। लेकिन दोस्तों क्या 15 जून से कुछ लॉकडाउन को कड़ी शर्तों के साथ लगाया जा गया फिर नहीं, क्या क्या छूटें होंगी, इसकी हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो के साथ जरूर अंत तक बने रहिए। वहीं पर दोस्तों सरकार ने जो कि किसानों के लिए और जनता के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं, जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको कुछ बड़ा फायदा होगा, तो इसकी भी दोस्तों हम पूरी आपको खबर विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सरकार ने जो कि सभी किसान भाइयों और गरीब जनता के लिए 5,000 रुपये का देने का वादा कर दिया है, क्या है इसकी पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के केसों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो कि लॉकडाउन को बढ़ाने का भी फैसला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन को जो है 15 जून से बढ़ाया जा सकता है और जो है ये लॉकडाउन दोस्तों कड़ी शर्तों के साथ और जो है बहुत ही सख्ती के साथ लगाया जाएगा। तो क्या है पूरी खबर हम जानेंगे आज की वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों ये खबरें जान लेना आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर, जो कि कोरोना से जंग जीतने के 5 दिन बाद हुआ मशहूर शायर गुलजार देहवाली का निधन। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि सांसदों की लापरवाही की वजह से राज्यसभा को चुकाने होंगे 8 करोड़ रुपए, रेलवे ने पकड़ाया 1 साल का बिल। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, तो इसके चलते बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, रेलवे ने बदला स्पेशल ट्रेनों का टाइम, यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों के लिए समय भी हुआ परिवर्तन, क्या है खबर जानेंगे विस्तार से, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके चलते दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर आई है, जो कि मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा, क्या है इसकी बड़ी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो कि मुख्यमंत्री आवास और कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये धमकी कॉल सेंटर पर दी गई है, पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार। तो अगली सबसे बड़ी खबर दोस्तों हम आप सभी को बता रहे हैं कि जो कि पीएम मोदी 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक और देश भर में फिर लग सकता है लॉकडाउन, जानेंगे इसकी पूरी खबर विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे और पीएम मोदी राज्यों में कोरोना के हालत पर चर्चा करेंगे। यह बैठक 16 और 17 जून को होगी। पीएम ने जो कि बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों की स्थिति पर चर्चा करेंगे। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए यह बैठक बेहद अहम होगी, इसमें कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे, जिसमें राज्यों के सुझाव के आधार पर केंद्र सरकार आगे की रणनीति तय करेगी और माना जा रहा है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। पीएम ने कहा है कि 16 जून को 21 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम साथ बातचीत करेंगे और पंजाब, असम, केरल और उत्तराखंड और जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल, चंडीगढ़, गोवा और मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मिजोरम और एनदीप, दादरा और नगर हवेली और दामादीव और सिक्किम और जो है लक्षद्वीप शामिल होंगे। दूसरे दिन 17 जून को 15 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीएम के साथ बातचीत करेंगे, जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्य शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और शुक्रवार को देश में कोरोना वायरस के मामले 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। जी हाँ, जिसके चलते जो कि देश में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो में इतनी ही बड़ी खबरें थी, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ऐसे ही खबरें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली चैनल की हर नई ताजी खबर आपके मोबाइल फोन तक जरूर पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी।